हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चंदन की लकड़ी से बने गणेश हो या रूबी जैसे पत्थर से बने फूलों के आकार की राखी, सभी अपने आप में बेहद खूबसूरत हैं और लोग बाजार में जमकर खरीदारी का आनंद उठा रहे हैं। बड़गांव कस्बे में रक्षाबंधन से पहले बाजारों में रौनक बढ़ी। रक्षाबंधन से पहले बाजार तरह तरह की खूबसूरत राखियों से सज गए हैं। इस बार फेंगशुई राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है। इसके अलावा इको फ्रेंडली राखियों की भी धूम है। रक्षाबंधन के चलते बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। राखियों की रौनक भाई और बहन के अटूट प्रेम के त्योहार रक्षाबंधन के आते ही बाजारों में रौनक भी लौट आई है। भाई चाहे सात समंदर दूर ही क्यों ना हो, लेकिन इस दिन बहन की राखी उस तक पहुंच ही जाती है। प्राचीन काल से चले आ रहे इस पर्व ने आज के दौर में आधुनिकता का चोगा भले ही धारण किया हो, पर इस त्योहार का महत्व कम नहीं हुआ है। हर साल हर बहन और भाई को इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। बहनें अपने भाई की कलाई में बांधने के लिए खूबसूरत राखियों को खरीदने के लिए बाजार पहुंच रही हैं। बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। क्षेत्र के तमाम छोटे बड़े बाजार खूबसूरत राखियों से अटे पड़े हैं। मोतियों, रूबी और रंग बिरंगे पत्थरों को रेशमी धागे में पिरोकर बनाई गई राखियों की चमक से बाजार गुलजार है। बाजार में सस्ती राखियां भी हैं और डिजाइनर महंगी राखियां भी। चंदन की लकड़ी से बने गणेश हो या रूबी जैसे महंगे पत्थर से बने फूलों की आकार की राखी, सभी अपने आप में बेहद खूबसूरत हैं और लोग बाजार में जमकर खरीदारी का आनंद उठा रहे हैं। इस मौके पर श्री राम रेडीमेड स्टोर के व्यापारी सुरेश दास वैष्णव ने बताया कि बड़गांव में रक्षाबंधन से पहले ही यहां पर भीड़ जुट जाती है। बड़गांव से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।